हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 32.2 का क्वेश्चन नंबर 37 तक किया हुआ था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 और उसके आगे के जो क्वेश्चंस होंगे वो डिस्कस करेंगे। और ये जो है टाइप टू में दो क्वेश्चंस बचे हुए हैं, एक 38 और 39। 38 बोलता है 5 पर्सन इंटर्ड इन अ लिफ्ट, 5 व्यक्ति हैं जो कोई एक लिफ्ट में इंटर किए, कोई लिफ्ट में अंदर गए। बोलता है ऑन द ग्राउंड फ्लोर, और वो जो लिफ्ट में जो अंदर गए हैं वो कौन से फ्लोर में गए हैं जी? ग्राउंड फ्लोर में अंदर गए हैं लिफ्ट के अंदर। ऑफ 8 फ्लोर हाउस, एक घर जो है वह 8 फ्लोर का है। तो बोल सकते हैं इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 फ्लोर का घर है। यदि बोल दें इधर से किनारे से क्या लगा हुआ है जी? ये लिफ्ट लगा हुआ है। यहाँ भी इसका एंट्री है, मतलब यहाँ से, यहाँ तो लिफ्ट है ही, तो यहाँ से एंट्री है, यहाँ एंट्री, यहाँ नहीं, फिर यहाँ इधर इधर एंट्री है। कोई फ्लोर में आप जो कहें वहाँ से उतर सकते हैं। और 5 व्यक्ति कितने हैं जी? 5 आदमी हैं। व्यक्तियों की संख्या 5 पर्सन्स, 5 लोग हैं, और 8 फ्लोर का बिल्डिंग है, और ग्राउंड फ्लोर में बैठेंगे तो उतरने का चांस कितना है जी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 जगह है जहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, वहाँ पे उतर सकते हैं कोई भी फ्लोर में। और साथ फिर क्या बोलता है उसके बाद, सपोज दैट ईच ऑफ देम इंडिपेंडेंटली एंड विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी कैन अलाइट फ्रॉम द लिफ्ट एट एनी फ्लोर बिगिनिंग विथ द फर्स्ट। और 5 जो लोग हैं वह 5ों के लिए इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ भी उतर सकता है, यहाँ भी उतर सकता है, यहाँ भी उतर, सभी के लिए जो प्रोबेबिलिटी है उतरने का चांस है वो सेम है, कहीं भी आप इंटर कर सकते हैं। लेकिन वो कहाँ से? फर्स्ट फ्लोर से, क्योंकि एंट्री करेगा ग्राउंड में, तो यहाँ से जो है व्यक्ति उतरेगा पहला फ्लोर, यहाँ जाएगा 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7, मतलब उतरने का जो चांस है वो 7 फ्लोर में है। और व्यक्ति कितना है जी? 5। और सभी का एकदम इक्वल प्रॉबिलिटी हो सकता है, पहला व्यक्ति यदि मान लें M1, वो M1 यहाँ भी उतर सकता है, यहाँ भी उतर सकता है, यहाँ भी, मतलब M1 को उतरने का चांस, मतलब जो है लिफ्ट छोड़ने का जो है 7 तरीका है, 7 जगह में से किसी एक जगह उतर सकता है। M2 जो व्यक्ति, उसको भी 7 जगह में से कहीं उतर सकता है। M3 वो भी 7 जगह में से किसी एक जगह उतर सकता है। उस तरह से M5 जो होगा उसको भी जो है 7 जगह में से कहीं उतर सकता है। तो बोलता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 5 पर्सन्स लिविंग एट ए डिफरेंट फ्लोर। तो हमें ये इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, जो 5 पर्सन्स हैं, 5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं, वो 5 व्यक्ति हैं, वो इन 7 में से 5 जो व्यक्ति उतरेगा, 7 फ्लोर है और 5 व्यक्ति जो है, हो सकता है 5ों एक ही फ्लोर में उतरे। तो क्वेश्चन बोला है उसका प्रोबेबिलिटी निकालें कि 5ों व्यक्ति जो है अलग अलग फ्लोर में उतरे, अलग अलग फ्लोर में क्या करें जी, वहाँ से लिफ्ट से उतरे, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो बोल सकते हैं यहाँ पे कि इन अ 8 फ्लोर हाउस देयर आर 7 फ्लोर्स अबव द ग्राउंड। बोल सकते हैं इन अ 8 फ्लोर हाउस देयर आर 7 फ्लोर आर एबव द ग्राउंड। ग्राउंड से 7 फ्लोर है, जो क्या है, ग्राउंड से 7 फ्लोर ऊपर में है, जिसमें 8 फ्लोर वाले घर में, बिल्डिंग में 7 फ्लोर जो है वो क्या है, ग्राउंड के एवब में है, ऊपर में है। तो बोल सकते हैं ईच पर्सन कैन लीव द लिफ्ट इन 7 वेज। तो ईच पर्सन कैन लिफ्ट, ईच पर्सन कैन लिफ्ट द इन 7 वेज। जो प्रत्येक व्यक्ति हैं, वो जो लिफ्ट में बैठे हुए जो 5 पर्सन्स हैं, वो क्या है जी,
कैन लीव होगा ना, कैन लीव द लिफ्ट, कैन लीव द लिफ्ट इन सेवन वेज। क्या एक टोटल पांच व्यक्ति हैं, पांचों का जो उतरने का जो चांस है हर एक फ्लोर में क्या इक्वल है, तो एक व्यक्ति सात ऑप्शन से सातों में से कहीं उतर सकता है, दूसरे व्यक्ति को भी सात ऑप्शन है, तीसरे को भी सात, चौथे को भी सात एंड पांचवें को भी सात। वही लिखे ईच पर्सन कैन लीव द लिफ्ट इन सेवन वेज, तो बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पर्संस यहां लिख दें, टोटल नंबर ऑफ पर्संस इज इक्वल टू फाइव। टोटल कितने व्यक्ति हैं जी, पांच व्यक्ति हैं, उसको वहां पे लिख दिए हम लोग पांच, तो बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वेज, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ फाइव पर्सन, टोटल वो तरीका जो यहाँ के पांच व्यक्ति कह जी कैन लिव द लिफ्ट, पांच जो व्यक्ति है वो पांचों के उतरने लिफ्ट जो है लिफ्ट को छोड़ने का जो चांस है वो कितना हो जाएगा जी, एक व्यक्ति का कितना चांस है, एक व्यक्ति का जो है सात चांस है, एक व्यक्ति का कितना है जी सात, एक व्यक्ति जो है सात जगह में उतर सकता है एंड दूसरा व्यक्ति भी सात चांस है, दूसरा तीसरा व्यक्ति के लिए भी जो है सात जगह उतर सकता है, सात तरीका है, तीसरे व्यक्ति के लिए भी सात तरीका है, चौथे व्यक्ति के लिए भी सात और पांचवें व्यक्ति के लिए भी सात, तो टोटल जो तरीका कितना हो जाएगा सेवन का पावर फाइव। ध्यान से सुने, एक व्यक्ति है सात फ्लोर है, तो एक व्यक्ति जो है इन पांच सात में से किसी एक फ्लोर में उतर सकता है, लिफ्ट को छोड़ सकता है, तो एक व्यक्ति के लिए लिफ्ट छोड़ने का जो चांस है तरीके कितना हो गया सात, तो दूसरे व्यक्ति के लिए भी सात, तीसरे व्यक्ति के लिए भी सात, चौथे के लिए भी सात, पांचवें के लिए भी सात, तो टोटल कितना हो जाएगा सात का पावर पाँच, तो टोटल पांचों व्यक्ति के लिए जो लिफ्ट छोड़ने का जो वेज है वो कितना सात का पावर पाँच, और हो जाएगा नंबर ऑफ वेज, फिर हो जाएगा नंबर ऑफ वेज दैट फाइव पर्सन लिव द लिफ्ट इन सेवन फ्लोर, सात फ्लोर है उसमें से पांच व्यक्ति को उतरना है, किसमें जी पांचों अलग अलग में उतरना है। क्वेश्चन बोला था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि देखा जाए तो क्वेश्चन बोला था कि पांच जो व्यक्ति है इस फ्लोर में पांचों अलग अलग में उतरेंगे, तो टोटल चांस वहाँ पे टोटल यहाँ पे कितना है जी सात, और सात सात में और टोटल पांच व्यक्ति हैं और पांचों को अलग अलग फ्लोर में उतरना है, मतलब अरेंजमेंट हो सकता है पहला व्यक्ति यहाँ उतरे, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, M1 M2, हो सकता है M1 यहाँ आ जाए, M2 यहाँ आ जाए, M3 यहाँ आ जाए, M4 यहाँ आ जाए, M5 यहाँ आ जाए, तो इस तरह से तरीके कितना अरेंजमेंट करना है, टोटल है सात घर और व्यक्ति है पांच, तो अरेंज करना है तो कितना हो जाएगा 7P5, तो अरेंजमेंट है तो हो जाएगा 7P5, मतलब ये हो जाएगा मेरे लिए क्या टोटल सैंपल स्पेस, ये जो होगा नंबर ऑफ इवेंट, तो देयरफॉर हो जाएगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू NE/NS, तो NE मेरा कितना हो जाएगा जी 7P5 और टोटल नंबर ऑफ इवेंट इन सैंपल स्पेस 7 का पावर 5, ये हो जाएगा इतना। इसका हम लोग आंसर वेरीफाई कर लें, क्वेश्चन नंबर 38, 7P5/7 का पावर 5। चलिए आप चाहें इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, चलिए इसको नोट कर लें, ये सब जो क्वेश्चन अभी हम लोग देख रहे हैं सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो बहुत बार पूछा गया है, सब क्वेश्चन है, सब बहुत बार पूछा जा भी सकता है, पूछा भी गया है, ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस, चाहे जो टीचर्स का जो एग्जाम्स होते आए हैं KVS है चाहे NVS है, उस समय भी सब क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया इस टाइप के क्वेश्चंस। क्वेश्चन बोलता है 39 नंबर, 3 टिकट्स
बोलता है थ्री टिकट्स आर ड्रॉन एट रैंडम, तीन टिकट हैं एट रैंडम निकाला गया। आउट ऑफ 21 टिकट्स मार्क्ड विथ नंबर्स 1 to 21, 1 से 21 तक क्या बनाया पेपर में लिखा हुआ है, इंडिकेट किया गया है और एक बॉक्स में डाला गया, उसमें से कोई तीन टिकट वहाँ से क्या किया गया, उठाया गया है। फिर बोलता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द थ्री नंबर्स आर इन एपी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि तीन नंबर्स क्या होंगे जी एपी में होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स, तो बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ टिकट्स 21, थ्री टिकट्स आर ड्रॉन एट रैंडम, तीन टिकट एट रैंडम क्या किया गया है निकाला गया है, तीन टिकट एट रैंडम निकाला गया है। तो टोटल केसेस बन सकते हैं कितना जी, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग थ्री टिकट्स फ्रॉम 21 टिकट्स, तो कितना हो जाएगा 21C3, क्योंकि टोटल 21 टिकट्स थे उसमें से तीन टिकट को ही सेलेक्ट करना है, तो टोटल वेज कितना हो जाएगा 21C3। अब तीन टिकट्स हैं, यदि हम लोग मान लें वो तीन टिकट्स ए बी सी हैं और बोल दिया है टिकट्स जो निकले हैं वो क्या होना चाहिए एपी में होने चाहिए एपी में, तो एपी का कंडीशन तीन टर्म यदि एपी में है तो क्या होता है जी ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट्स एक्सट्रीम नंबर्स, बोल सकते हैं द सम ऑफ ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, ये प्रॉपर्टी हमने एपी में बताया हुआ था आपको। तो लेट कर लेते हैं थ्री नंबर्स ए बी सी आर इन एपी, लेट थ्री नंबर्स, नंबर्स बोले आप तो टिकट बोल सकते हैं, नंबर्स ए बी सी आर इन एपी, तो देयरफॉर बोल सकते हैं कि टू बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी ए प्लस सी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हम लोग एपी में ही पढ़ा बताए हुए थे कि टू बी इज इक्वल टू कितना होता है ए प्लस सी। अब ध्यान दें यहाँ आप देख सकते हैं कि एज, जैसा आप देख सकते हैं एज टू बी इज इवन, क्या ए टू बी इवन हो या होगा या नहीं होगा, टू बी क्या होगा इवन। अब बताइए दो नंबर का सम इवन कब कब हो सकता है, हो सकता है ये दोनों नंबर इवन रहे तो भी इसका सम जो है इसका सम क्या होगा इवन होगा, हो सकता है दोनों ऑड रहे तो भी इसका सम कितना हो जाएगा इवन, लेकिन एक इवन एक ऑड रहेगा तो इसका सम जो है इवन नहीं होगा। एक प्रैक्टिकल सा चीज़ है कि टू बी जो है टू बी मेरा क्या एक इवन नंबर होगा, जो नंबर है उसको टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, चाहे वो इवन नंबर हो चाहे ऑड नंबर उसको टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा वह इवन ही होगा। अब यदि जो है दो नंबर का सम इवन कब आ सकता है, जब हो सकता है वो दोनों नंबर इवन हो तो भी उसका सम आएगा इवन, या हो सकता है दोनों नंबर क्या हो ऑड हो तो भी उसका सम क्या आएगा इवन आएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं टू बी इज क्या है जी इवन, सो दैट सम ऑफ, तो बोल सकते हैं सो दैट सम ऑफ एक्सट्रीम नंबर्स, सम ऑफ एक्सट्रीम नंबर्स मे बी सम ऑफ एक्सट्रीम नंबर, जो बोल सकते हैं द एक्सट्रीम नंबर्स आर ऑड और इवन द एक्सट्रीम, सो दैट एक्सट्रीम नंबर्स मे बी इवन और ऑड, हो सकता है कि वो दोनों जो एक्सट्रीम नंबर है वो क्या हो ऑड हो या तो दोनों क्या हो इवन हो। यदि वो दोनों इवन होगा मतलब ए और सी यदि इवन होगा तो भी उसका सम जो होगा टू बी वो इवन होगा, ए और सी ऑड होगा तो भी उसका सम जो टू बी आएगा वो क्या होगा वो इवन होगा। तो बोल सकते हैं कि टोटल यहाँ पे नंबर्स कितना है जी 21, यहाँ नंबरिंग किया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, उसी प्रकार है यहाँ पे 20 तक, फिर हो जाएगा 21। अब ध्यान दे दो नंबर लेना है तो ऑड कौन कौन सा होगा, देख सकते हैं कितने हैं जी 1, 2, 3, 4, 5,
और 5 इसमें 10 और एक यहाँ पे 11, तो टोटल नंबर ऑफ टोटल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 21 इज 11 और हो जाएगा टोटल टोटल इवेन नंबर्स फ्रॉम 1 to 21 इज 10। इसमें से देखिए 1 से 21 तक टोटल ऑड नंबर कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 यहाँ भी होगा 10 और 1 11। ऑड इवेन कितने हैं देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 यहाँ पे 10। अब इनमें से क्या करना है, हो सकता है दोनों नंबर ऑड हो तो सेलेक्ट करना होगा 11 में से कोई दो, यदि दोनों इवेन हो तो 10 में से कोई दो, तो बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस मतलब NE वो क्या हो जाएगा जी, यदि हम लोग दोनों ऑड ले लें ऑड नंबर से लें तो ऑड नंबर मतलब 11 में से कोई दो लें या मतलब और 10 में से कोई दो लें तो ये कितना हो जाएगा, इसको बोल सकते हैं NE इज इक्वल टू ये हो जाएगा 11C2 प्लस हो जाएगा 10C2 तो हो जाएगा NE। और टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस इन इवेंट बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ फेज मतलब NS दिया गया 21C3 तो देयरफोर ये हो जाएगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 11C2 प्लस 10C2 बाय 21C3। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं 11C2 तो 11 × 10 बाय 1 × 2 प्लस 10 × 9 बाय 1 × 2 बाय हो जाएगा 21 × 20 × 19 बाय 1 × 2 × 3। इसको यहाँ से कट कर दें। अब देखिए यहाँ एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 11 × 10 हो जाएगा 110 प्लस 90 बाय 2 यहाँ हो जाएगा 7 × 20 × 19 बाय 2 2 विल कैंसल तो हो जाएगा कितना जी, ये हो जाएगा 200 बाय 200 हो जाएगा 7 × 20 × 19 0 विल कैंसल ये कितना हो जाएगा 10 तो हो जाएगा 10 एंड 19 7 जा 133 तो इसका आंसर हो जाएगा 10 by 133 रिक्वायर्ड आंसर। हेलो आंसर वेरीफाई कर लें, ये क्वेश्चन नंबर कितना है 39 दिया हुआ 10 by 133। देखिए इस तरह से अभी हम लोग का जो टाइप 2 का जो क्वेश्चंस है वो हम लोग का कंप्लीट हो गया है। चलिए इसको आप नोट कर लें, अब देखते हैं टाइप 3। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोला है कि अ लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड, एक वर्ड है गिवन वर्ड A double S A double S I N A T I O N ये हम लोग का ये वर्ड दिया गया A double S A double S I N A T I O N और एक कोई नंबर वहाँ से चूज करना है तो बोलता है कि चूज किया हुआ नंबर वोवेल हो, फिर दूसरा बोलता है कॉन्सोनेंट हो। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स एक कितना लेटर है जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 3 13 एंड वन लेटर को सेलेक्ट करना है, वन लेटर इज चूजन एट रैंडम, एक लेटर को चूज करना है तो देयरफॉर नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग वन लेटर फ्रॉम 13 लेटर्स, 13 लेटर में से एक लेटर को चूज करना है, टोटल नंबर ऑफ वेज कितना जगह 13
तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ केसेस, मतलब हो जाएगा 13C1, ये हो जाएगा NS। फिर इसमें पहला में बोला है आ भोवेल, क्या सेलेक्ट करना है, एक भोवेल होना चाहिए, तो बोल सकते हैं भोवेल्स आर इन गिवेन वर्ड, इन गिवेन वर्ड्स वर्ड भोवेल्स आर, भोवेल कौन कौन है जी, ए है, फिर ए दो बार है, ए जो है टू टाइम्स, एक दो, फिर ए जो है तीन बार है, ए तीन बार है, आई जो है वो दो बार है, और ओ जो है एक बार है, एक दो तीन, आई फिर है एक दो, और वो जो एक बार, तो टोटल नंबर भोवेल कितना है, तीन और दो पाँच और एक छः, तो बोल सकते हैं लेट ई बराबर इवेंट सेलेक्टिंग वन भोवेल, एक भोवेल को सेलेक्ट करना है, टोटल भोवेल कितना है सिक्स, तो हो जाएगा सिक्स में से कोई एक को सेलेक्ट करना हो जाएगा 6C1, तो हम लोग को निकालना है प्रोबेबिलिटी, देयरफॉर हो जाएगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू एन ई बाय एन एस, मतलब हो जाएगा 6C1 बाय 13C1, तो हो जाएगा 6/13 इसका हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। दूसरा में बोला इसमें अ कॉन्सोनेंट, जो सेलेक्ट किया हुआ लेटर है वो क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो कॉन्सोनेंट कितना है देख सकते हैं, दो और दो चार, एक पाँच, एक छः, एक सात, तो बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट इज कितना है जी, सेवन, तो बोल सकते हैं देयर फुल लेट ई बराबर इवेंट सेलेक्टिंग अ कॉन्सोनेंट इज इक्वल टू, तो हो जाएगा एन ई इज इक्वल टू कितना जी, हो जाएगा 7C1, तो देयर फोर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 7C1 बाय 13C1, तो हो जाएगा 7/13, ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। हेलो आंसर वेरीफाई करें, क्वेश्चन नंबर कितना था 40, 6/13 7/13 ही दिया गया है, चलिए इसको नोट करें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, देखिए क्वेश्चन नंबर 41 बोलता है एक अ कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, बोलता है टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इन वेल सफल्ड पैक ऑफ कार्ड बोल सकते हैं, वेल्ड सफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स इज इक्वल टू 52, एक कार्ड को सेलेक्ट करना है, इन बोला है आ कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम, आ कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम, एक कार्ड को सेलेक्ट करना है, तो देयरफॉर हो जाएगा नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग अ कार्ड फ्रॉम 52 कार्ड्स, हो जाएगा 52C1, तो जगह टोटल नंबर ऑफ फेज कितना हो जाएगा जी, 52C1। अब यहाँ से क्वेश्चन बोलता है, तो बोल सकते हैं कि हो जाएगा NS इज इक्वल टू 52C1, NS नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस कितना हो जाएगा जी 52, क्योंकि 52 में से कोई एक को सेलेक्ट करना है, 52 में से कोई एक सेलेक्ट करना है, इसलिए हो जाएगा कितना 52C1। अब ध्यान दिए क्वेश्चन क्या बोलता है, फिर पहला बोला है कि हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द सैंपल स्पेस, हाउ मेनी पॉइंट्स, पॉइंट्स का मतलब सैंपल स्पेस में कई गो एलिमेंट होगा सैंपल स्पेस, तो 52C1 मतलब 52, तो बोलता है हाउ मेनी सैंपल,
हाउ मेनी पॉइंट्स इन द सैंपल स्पेस, तो देयरफॉर बोल सकते हैं वन का आंसर में 52 पॉइंट्स इन द सैंपल स्पेस। पॉइंट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, सैंपल स्पेस में कैगो एलिमेंट होगा, मतलब पॉइंट मतलब 52 एलिमेंट्स होगा, मतलब 52 पॉइंट्स हो गए। सेकेंड में बोलता है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज एन एस ऑफ स्पीड, एस ऑफ स्पीड, स्पीड का क्या हो इक्का। बताए थे कि टोटल चार सूट्स होते हैं, कौन कौन जी बोले थे, हार्ट, डायमंड, स्पेड और क्लब। इसमें भी 13 कार्ड्स, इसमें भी 13, इसमें भी 13, इसमें भी 13, और सब में क्या होता है ए जे क्यू के, सभी में होता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये 13 कार्ड इसमें भी है, 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है। तो बोलता है वो कार्ड जो सेलेक्ट किया गया है वो क्या हो जी, तो कार्ड जो निकला हुआ है वो स्पीड से एक हो, ऐसो स्पीड, तो स्पीड यहाँ पे है और स्पीड में एक का मतलब ए कितना होता है जी, एक, ए जे क्यू के हाँ मतलब एक का एक, जैक एक, क्वीन एक, किंग एक, तो उसमें स्पीड कितना है, तो स्पीड है एक, स्पीड है टोटल 13, स्पीड कितना है 13, 13 में से कोई एक सेलेक्ट करना है। तो बोलता है अ कार्ड, इसे बोलता है प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज एन एक ऑफ स्पीड, लेट ई बराबर इवेंट सेलेक्टिंग एक ऑफ स्पीड, स्पीड का एक्का हो, तो स्पीड में टोटल कितना एलिमेंट है 13 और एक्का होता है एक, 13C1। तो जगह यहाँ से रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी वो जगह 13C1 by 52C1, 13 by 52, तो ये कितना हो जाएगा जी 1/4। तो इसका जो आंसर ये हो गया, ये कितना हो जाएगा 41 ना, 41 हो जाएगा कितना 1/4। लेकिन थोड़ा सा यहाँ ध्यान दे, क्वेश्चन में क्या बोला था कि स्पीड का एक्का है, तो टोटल पैक में स्पीड का एक्का क्या है जी, स्पीड का एक्का सिर्फ कितना है एगो है, तो स्पीड का एक्का हो जाएगा सिर्फ एक, और एक में से कोई एक सेलेक्ट करेंगे तो जाएगा 1C1, तो जाएगा कितना 1/52 होगा, ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन बोला सिर्फ एक बोलता है एक का, तो होता है टोटल चार 4C1, लेकिन स्पीड में सिर्फ एक कितना हो, सिर्फ एक होता है, एक में से एक कोई सेलेक्ट करना हो जाएगा 1/52। थर्ड में बोलता है कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट एन एक, फिर बोलता है ब्लैक कार्ड, इसे बोलता है एन एक्स, एक कैगो हुआ है जी टोटल, देखिए टोटल है चार, चार में से कोई एक, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा कितना 4C1 by 52C1, तो जाएगा 4/52 मतलब हो जाएगा 1/13, ये हो जाएगा किसका कितना हो जाएगा 1/13। और इसी का दूसरा में क्या बोला है ब्लैक कार्ड्स, तो टोटल ब्लैक कार्ड कितना होता है 26, और 26 में से कोई एक सेलेक्ट करेंगे तो अगर 26C1 by 52C1, तो अगर 26 by 52 मतलब इसका आंसर हो जाएगा कितना जी 1/2, ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 41 तक डिस्कस किए हैं, और ये जो जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए बहुत ही जी, और सब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अब जो बचे हुए जो क्वेश्चंस है इसमें, उसका डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए इसको आप नोट कर लें, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।